मोबाइल से करेंगे वैसे तो नहीं वायरल होगी एक्चुअली नेम का ऐसा नहीं कि थंबनेल थंबनेल टू हैबिट आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा टाइटल कॉपी करने से कोई कॉपी रे स्ट्राइक नहीं आता यार आज मैं आपके सामने ना एक लैपटॉप लेके आया हूं, पूरा 100 परसेंट आपको वीडियो 100 करके दिखाऊंगा कि क्या सब आप अपने यूट्यूब वीडियोस में कर सकते हैं सबसे पहले ना दो सवाल आते हैं सर मोबाइल ये रहा वाइट स्टूडियो ये रहा सर यहाँ पे गए और यहाँ से अपलोड कर दिया क्या सर मोबाइल से अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डेस्कटॉप से अपलोड करना चाहिए तो ये कोई मिथ ही है मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप साइड करके मोबाइल में अपलोड करेंगे तभी वीडियो वायरल होगी मोबाइल से करेंगे स्टूडियो से करेंगे तो नहीं होगी या फिर स्टूडियो से करेंगे तो वायरल हो जाएगी मोबाइल से करेंगे वैसे तो नहीं वायरल होगी ये सब मिथ्स हैं मैं आपको बता है ना इतने सारे यूट्यूबर के साथ काम कर चुका हूं यूट्यूब के साथ क्लोजली वर्क करता हूं राइट जब से सिटी एम्बेसडर यूट्यूब ने बनाया है, तब से और क्लोजली उनके साथ हाँ वर्क करता हूं राइट क्या है तरीके सबसे पहले तो आज मैं आपको नॉर्मली एक वीडियो को पूरा अपलोड करके दिखाऊंगा दूसरा इन बिटवीन आपको कई फ्री टूल्स भी समझाऊंगा जिनको आपको लगेगा हाँ इसे यूज करना चाहिए करेक्ट है तो सबसे पहले चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं इसकी अपलोडिंग प्रोसेस शुरू करके तो जब कभी भी आप ऐसे वीडियोज अपलोड करते हो जैसा भी आप देख रहे हो मेरा ये चैनल है फाइनेंस विद अमरीश इस पर अपलोड करता हूं तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझनी है जो मैं पहले वीडियो अपलोड करने से पहले आपको बोलूंगा ये देखिए कोई भी वीडियो को आप एडिट करिए कोई भी वीडियो को तो आप यहां पे देखेंगे फाइल नेम यानी कि जो वीडियो का नाम है राइट वीडियो का जो नेम है वो और और, और थंबनेल का नेम तो जब कभी भी आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर आपका थंबनेल बनाता है तो उसका प्रॉपर नेम लिखिए रीजन इज व्हाई कि Google का सर्च जो है ना इस नाम से ही पकड़ता है तो एक्चुअली नेम का ऐसा नहीं कि थंबनेल 1 थंबनेल 2 इजी माइट थंबनेल

अलग होती है वो डाल दीजिए उसके बाद आ गया टैग टैग यूजली हम कॉपी करके डालते हैं तो वो लिख दीजिए तो जब आप ये टाइटल टैग अपने कीप uh, में रखेंगे ना मेंटेन करके तो आपका कोई है या आप किसी से फ्रीलांस वर्क कराते हैं तो वो भी चीज करा सकते हैं कई बार आपको मान लीजिए आपका फाइनेंस चैनल चैनल है है कुकिंग आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो जो कंटेंट है वो है क्रिएटिविटी का और मैं इसमें एडिटिंग पार्ट नहीं करना चाहता मेरी टीम है तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अभी से और इसका हैबिट आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है सबसे पहला टाइटल होना कैसा चाहिए तो कुछ पॉइंट में करता हूं सबसे पहला सर्चएबल वर्ड दूसरा यूज अदर क्रिएटेड टाइटल अब बोलोगे नहीं सर ये तो कॉपी हो गया तो मैं आपको बता देता हूं अगर तुम नहीं करते हो तो वो किसी और की कर रहे होते हैं मैं स्टैंप पेपर पे लिख के दूं क्या आपको टाइटल कॉपी करने से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता यार टाइटल तो भाई कॉपी है ना यार अब मान लो मुझे बताना है कि हाउ टू मेक वायरल वीडियोस

नजर रखना पड़ेगा एंड द नेक्स्ट वन इज यू सर्च बार जो आप ये सर्च बार अभी देख पा रहे हैं मैं कुछ भी वीडियोस लिख रहा हूं जैसे हाउ टू मेक कुकिंग वीडियोस तो इसके नीचे जो तो आपको ये दिख रहा है अलग 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 यू you नो know, टाइटल्स ये आपके सर्चेबल टाइटल्स बन सकते हैं जिन पे आप अपना टाइटल रख सकते हो या फिर वीडियो बना के टाइटल रख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे पास मेरे यहां पे गूगल डॉक में शीट है मैंने एक टाइटल रखा हुआ है कि पांच मिनट में रेडी करें मॉर्निंग का नाश्ता

अब इसी का इंग्लिश देख लीजिए वर्जन पांच मिनट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ गया करेक्ट इजी हेल्दी ब्रेकफास्ट ये इतना बढ़िया कीवर्ड है जो मैंने इसमें आपको लिख के दिया है आपको इस तरीके की थॉट प्रोसेस बिल्ड करनी पड़ेगी टाइम लगेगा यार क्या लगता है सात साल दे दिए मैंने इस इंडस्ट्री को तो मेरे लिए आसान लगता होगा लेकिन हर एक के लिए आसान नहीं है आपको भी इस इंडस्ट्री टाइम देना पड़ेगा आज मैं पूरा दिन भर मेरा पूरा चौबीस घंटा आप देख सकते हो फुटेजेस में कभी टीम के साथ कभी मीटिंग्स कभी लाइक यू नो हमारे पीएमपी के क्लाइंट कभी स्टूडेंट कभी मैं लाइव क्लास और लाइव क्लास से याद आया कि मेरे दो बैचेज चल रहे हैं अट्ठाईस जनवरी से मैं पूरा एक महीने का लाइव कर रहा हूं यूटी मास्टरी कोर्स का तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं या हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चलता है पूरा रिकॉर्डेड है डाउट के लिए मैं खुद लाइव आता हूं आप सबके सामने उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं दोनों पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं तो लाइव बैच जो है वो इस महीने का 28 जनवरी से शुरू है हर महीने हम एक लाइव बैच रखते हैं इस वाला 28 जनवरी से है तो कॉल करके पूरी डिटेल ले लेना भाई साहब या डिस्क्रिप्शन नीचे पूरी डिटेल है वहां भी आप जा सकते हो करेक्ट है तो सीधा है टाइटल ले लिया तो क्यों ना एक वीडियो अपलोड करते हैं कॉपी किया

एक बॉक्सेस में है ना बिस्किट्स रखने तो सीधी सी बात है आप जितना बॉक्स की कैपेसिटी उतना तो रखोगे अगर आप उतना रख के सील पैक करके किसी को भेज रहे हो तो बोलेगा अरे तो बहुत एक्सेस दे दिया ऐसा क्या नहीं ना तो टाइटल हंड्रेड लेटर का आप हंड्रेड लेटर डाल सकते हो अगर आपको लगता है सर नहीं सर मेरा निपटारा हो गया सेवन लेटर में कोई बात नहीं तो ना सेवेंटी गलत है ना हंड्रेड गलत है पहली बात आपको यह समझनी है टाइटल आपने डाल दिया बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन मेरा बिल्कुल क्लीन है क्योंकि मैंने आपके लिए रखा हुआ है अदरवाइज आप ऑटो डिफॉल्ट बना सकते हो कैसे बनाओगे ऑटो डिफॉल्ट मैं वो भी समझा देता हूं सेटिंग का साइड में ऑप्शन है यहाँ पे आप, आप देख रहे हो मैं भी कर दूंगा थोड़ा जूम भी कर दे, कर दीजिएगा लोगों को समझ आएगा ये देखिए अपलोड डिफॉल्ट डिफॉल्ट में डिस्क्रिप्शन टाइटल आप जो लिखेंगे ना वो आ जाएगा टाइटल में हाई लिख के रखेंगे हर बार हाई आएगा विजिबिलिटी अगर आप प्राइवेट का पब्लिक कर देंगे तो पब्लिक आएगा मैं मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्राइवेट रखना कई बार बटन क्लिक होकर लाइव हो जाता है दुख होता है कि बड़ी मेहनत कर दी अभी लाइव नहीं करना था तो यूजली प्राइवेट रखना जो डिस्क्रिप्शन में बेसिक चीजें हैं जैसे आपका कोई प्रोग्राम हुआ जैसे हमारा कोर्सेज है है ना तो हमने उसका नंबर रखा हुआ है कि अगर आप लाइव मास्टरी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो सेवन जीरो डबल वन थ्री जीरो नाइन फोर में कॉल कर लो हमने एक फॉर्म भी दिया हुआ है कि आप फॉर्म भी भर लो करेक्ट हमने कोई एप्लीकेशन दी हुई है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया है उसके बारे में मैंने लिख दिया एफिलियेट जो मैं माइक यूज करता हूं उन सबका एफिलेट लगा दिया तो बेसिकली कुछ चीजें तो है जो फिक्स रहती है क्योंकि वीडियो में आप कॉल टू एक्शन देते हो ना कि मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो वगैरह वगैरह राइट पर टाइटल हर बार चेंज होता है इसलिए मैं टाइटल में लिख नहीं रहा हूं तो आपको समझ आ गई होगी तो डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है सर तो देखिए मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लेटर लेटर का 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 होता है का है का है यानी कि जो साइज वो जरूरी नहीं है कि पूरा पांच हजार भर देना है जबरदस्ती का कुछ कुछ लिखना है जबरदस्ती का ना तो टाइटल में लिखना है ना ही डिस्क्रिप्शन में लिखना है ना ही टैग में लिखना है इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा तो मैंने क्या लिखा अबाउट दिस वीडियो है ना कि हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए एक ब्रेक्ष, लाइक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाने जा रही हूँ या जा रहा है जो पांच मिनट में आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं आप इसे हिंदी में या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बहुत आसान है कीवर्ड यूज करना अगर टूल्स जानना है तो कमेंट कर देना उसका मैं यही टूल आपको बताने वाला था वो है हिंदी इनपुट टूल गूगल का क्रोम एक्सटेंशन है आप लिखना शुरू कर दो देखो हाय है ना हाय की जगह अमरेश लेता हूँ मैं अपना नाम हर इंसान अपना नाम ही तो लिखता है अमरेश भारती लीजे, है ना अमरेश भारती कैसे हैं आप सब आ जाता है बढ़िया बढ़िया लिख पा रहा हूं मैं तो आप भी गूगल हिंदी इनपुट यूज करा करो तो आप ऐसा पूरा इंग्लिश में लिख लेंगे फिर उसके बाद एट योर चैनल नेम है ना है ना वी आर पैशनेट अबाउट फूड थोड़ा सा अपने बारे में लिख दीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए कि क्या है आपका चैनल राइट फिर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग की तीन चार लाइनें बहुत से लोग हिंदी में लिखते हैं बहुत से लोग इंग्लिश में लिखते हैं कि इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ अ लाइक यू नो हेल्दी रेसिपी जो भी आप बना रहे हैं जिस चीज के बारे में उसके बाद टाइम स्टैम्प जरूर डालिए बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए मैं नहीं डालता हूं मैं आलसी लेकिन आप डालिए कुछ जरूरी नहीं है कि जो काम मैं ना करूं वो आप ना भी करें आप डालिए टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है कि वीडियो में टाइम इस वीडियो में टाइम स्टैम्प डाल दूंगा मैं आपको इस वीडियो में भी टाइम स्टैम्प दिखा रहा हूं कि कौन सी जगह पे क्या चीजें तो जब टाइम स्टैम्प आप शुरू करोगे तो बहुत सिंपल तरीका है कि जीरो जीरो कॉलन जीरो जीरो जब आप ये मेंशन करते हो मैं पे पिक्चर भी दिखा रहा हूँ और नीचे यहां भी आपको दिखा रहा हूं जब आप ये मेंशन करते हो ना तब आपका टाइम स्टाइम शुरू होता है राइट उसके बाद आप जीरो जीरो हाउ टू मेक रेसिपी जिस भी जिस भी जगह से जो बातें आपने बोली है बस जीरो फाइव कॉलन थ्री जीरो है ना आउटरो तो आप लिखते चले जाएंगे पूरा चैनल जो है वो पूरा एक आपके चैप्टर में बदल जाएगा आपके व्यूअर्स जहां भी उसको जरूरत है वहां जाके देख सकता है तो बड़ा आसान है इससे बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे यार पूरी वीडियो नहीं देखेगा भाई साहब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजें दें और वो यूज करें जब तक आप बना के देंगे ना तो जा जाके जा जाके जा जा देखेगा एज कम्पेयर टू जहां 10 मिनट की वीडियो वो तीन मिनट देखता था पहले अब वो सात मिनट देखेगा भाई साहब ये चीज ध्यान रखना मेरी बात है। और कितने लोगों को सही बोल रहा हूँ कॉमेंट में यस लिखना करेक्ट है उसके बाद फॉलो ऑन इंस्टाग्राम कोई अफिलेट लिंक है वो आप डाल सकते हैं ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर उसके बाद आप अपना मेल के लिए कोई इंक्वायरी डाल सकते हो कई बार लोग से भी आपको करने की कोशिश करते हैं रही बात टैग की तो टैग के लिए आप रेपिड टैग डॉट आईओ यूज कर सकते हो जो मैं जनरली रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को बहुत अच्छा भी है और आसान भी है कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है इसमें तो जैसे मेरे पास देखिए टाइटल है कौन सा टाइटल था सर हाउ टू मेक रेसिपी वाला तो चलिए सर टाइटल ढूंढ लेते हैं कहाँ रखा मैंने टाइटल ये रहा फाइव मिनट है ना ब्रेकफास्ट रेसिपी मैंने करना है इसको कॉपी मैंने किया कॉपी मैं गया rapidtech.io टेक डॉट पे मैंने टाइटल वाले सीन डाला और इंटर मार दिया इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे आ गए है ना ब्रेकफास्ट रेसिपी ब्रेकफास्ट रेसिपी तो जो चीज़ रिपीटेड है जो चीज आपको सही नहीं लग रही उसको काट दीजिए ठीक है और जो चीज आपको सही लग जाए है ना उसको यहाँ से कॉपी पूरा कॉपी करके तो ये मेरे पास नीचे यहाँ पे टैग सेक्शन है शो मोर में आप जाओगे शो मोर में नीचे यहाँ पे टैग है सीधे आप ये टैग सेक्शन में पेस्ट कर दोगे ये चीज आ गई अब नीचे ये है सर प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट जरूर बना लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर रखी है कॉपी मैं चाहूँ तो इसको पूरा एक बार मैं कॉपी कर भी लेता हूँ और डाल भी सकता हूँ आप भी इसको अपने तरीके से जरूर अपलोड कर लीजिएगा लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है आप अपने चैनल का नाम डालिएगा योर चैनल मत लिख दीजिएगा ठीक है सर ब्रेकफास्ट फा, ब्रेक बोल रहा हूं। <laughs> खाने की में लग तो मैंने डाल दिया अब बारी आ गई थंबनेल की तो जो मैंने एक दो टिप्स आप से बोले थे कि वो एक और है। यहां थंबनेल्स तो अपलोड कर सकते हो फॉर एक्साम्पल कोई भी थमनिल आपके पास होगा वो आप यहां से अपलोड कर दोगे जो भी थमन आपके पास होगा बट थंबनेल के साथ साथ तीन थंबनेल के ऑप्शन ने एआई टेस्ट AB टेस्टिंग जिसे कहते हैं और दिया कि कौन सा थंबनेल ज्यादा परफॉर्म करता है तो मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू में ना थोड़ी मेहनत करो एक दो थंबनेल और बना के आप इसमें लगा सकते हो जिससे एवी टेस्टिंग आप कर पाओ समझ रहे हो एवी टेस्टिंग से फायदा क्या होगा कौन सा थंबनेल ज्यादा परफॉर्म कर रहा है लोग आपको देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे एक दो थंबनेल लगाया करना जिससे पता चले कि भैया किस तरीके से काम हो रहा है फिर उसके बाद आता है एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है आई बटन जब आप कॉल टू एक्शन डालते हैं कि भैया आई बटन पे सारी डिटेल में डाल रहा हूं जाके जरूर चेक कर लेना तो ये एड कार्ड बोलते हैं यहां पे आई बटन जरूर लगाना आई बटन में कई बार आप वीडियो लगा सकते हो प्ले लगा सकते हो कोई चैनल लगा सकते हो या कोई बाहर का लिंक लगा सकते हो जो भी आपको लगे कि भाई ये लिंक सफिशियंट है बट ये तब लगेगा जब आपके एक सब्सक्राइबर्स और चार घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो सीधी सी बात है मैंने आई बटन में फिलहाल एक वीडियो लगा दी ये देखिए आई बटन में यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूं तो यार है तो व्यू मोड भी आता है मैं इसको सेव कर देता हूं आई बटन के बाद एंड स्क्रीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप ऐड कर दीजिए अगर आपका कोई ब्लॉग चैनल है तो जनरली लोग रिसेंट्स वीडियो लगाते हैं है ना कोई रिसेंट वीडियो लगा दिया ठीक है या बेस्ट व्यूज जिसमें बेस्ट व्यूज है वो प्ले होगा तो अब ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कितने सेकंड वाइज चलेगा वो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो यहां से थोड़ा बहुत तो ये हो गया एंड स्क्रीन और मैंने बात करी आपको आई बटन की तीसरा है प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई सीरीज बना रहे हो तो मेक मेकअपिस्ट प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट जरूर बनाइए उससे बहुत फायदा मिलता है तो जब आपने ये सारी चीजें कवर कर ली तो आपकी वीडियो हो गई है रेडी किस पे जाने के लिए चैनल पे जाने के लिए आप आराम से शेड्यूल कर लीजिए शेड्यूल में क्या है भैया टाइम सेट कर दीजिए आज आप मस्ती कर रहे हैं 19 तारीख को 6 बजे अपलोड हो जाए 2 बजे अपलोड हो जाएगी इतना बढ़िया चीज़ है यूजली है ना और आपने कर दिया सेट और ये लीजिए जी है ना आप सेट एज जब प्राइम भी कर सकते हैं नहीं तो शेड्यूल मार दीजिए वीडियो अपने आप लाइव हो जाएगी टाइमली तो ये देखिए मैं शेड्यूल कर देता हूँ लीजिए जी मेरी वीडियो हो जाएगी लाइव लाइव अभी इंटरनेट स्लो है मैंने वाईफाई किसी और से करा हुआ है तो ये तीन घंटा दिख रहा है बट ऐसा होगा नहीं मैं भी चेंज कर दूंगा वाईफाई तो चीज़ें बदल जाएंगी ये नीचे के वाईफाई से कनेक्टेड है मैं स्टूडियो में बैठा हूँ स्टूडियो का वाईफाई लगे सो आई होप आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके बताइए मैं हमेशा आप लोगों के लिए काम करता हूँ मेरे कई प्रोग्राम्स हैं जो मैं सिखाता हूँ जैसे मेरा एक वन टू वन प्रोग्राम है जिसमें वन टू वन कंसल्टिंग देता हूँ मेरा एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो तीन महीने का चलता है जहाँ मेरी तीन महीने तक आपसे कंसल्टिंग रहती है और डेफिनेटली जहां अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रो किया जहां बिजनेस कोर्स इसमें मैं स्टूडेंट को नहीं लेता हूं जनरली जो लोग बिज़नेस है वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर उनका कोई अपना स्मॉल uh, स्केल का बिजनेस है उसको मैं ग्रो कराने में पूरी उनकी हेल्प करता हूँ डिजिटली वहां पर काम करता हूँ हमारे इनिशियल लेवल के प्रोग्राम है जहां पर हम पूरा सिखाते हैं लाइव आके एक महीना यूटी मास्टर प्रोग्राम तो आप उसमें जुड़ सकते हैं रिकॉर्डेड हमारे वीमे क्रेडर के एप्लीकेशन में है तो बहुत सारे प्रोग्राम है उसके लिए करना आपको सिंपल होगा जो नंबर की बनना है ना इस पर कॉल करना होगा क्योंकि यूट्यूब ना दो में बहुत ग्रो करने वाला है मैं आपको सच बताता हूं हमें पता होता है यार इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है क्योंकि दिन भर यही तो कर रहे हैं मेरा इसके अलावा कोई काम नहीं है व्लॉगिंग करना मस्ती करना मैं सुबह से ले तक शाम तक मेरा कैलेंडर इन्हीं चीजों में बुक है अभी भी ऑलमोस्ट आठ बज गए इसके बाद भी अलग मीटिंग्स है मेरी सारी तो मेक श्योर sure आप भी इस तरीके से काम करिए अपनी वीडियो अपलोड करिए ग्रो करिए और कैसा लगा वीडियो कॉमेंट जरूर करिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत